1954 की बात है। ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था। युद्ध में घायलों के उपचार के लिए ज़्यादा और अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। वहां के अस्पतालों में भी चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। सैनिकों की इतनी बुरी दशा होने के बाद भी वहां की सेना महिलाओं को बतौर नर्स के तौर पर नियुक्त करने के पक्ष में नहीं थी। तभी एक महिला अपनी महिला नर्सों के समूह के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध स्थल पर पहुंची। वहां पर भी उन सभी को केवल इसलिए अनदेखा किया गया क्योंकि वे महिलाएं थीं। लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और अपनी सभी नर्सों के साथ जख्मी सैनिकों की सेवा में जुट गई। यह महिला कोई और नहीं, दुनिया की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्हें नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय जाता है। नमस्कार, आज की तारीख है 12 मई और आज ही के दिन यानी 12 मई साल 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ। बचपन से ही फ्लोरेंस बीमारी और शारीरिक कमजोरी की चपेट में रही। फ्लोरेंस के हाथ बहुत कमजोर थे, इसलिए वह 11 साल तक की उम्र तक लिखना भी नहीं जानती थी। बाद में फ्लोरेंस ने लैटिन, ग्रीक, गणित की औपचारिक शिक्षा ली। गणित फ्लोरेंस का प्रिय विषय हुआ करता था। 17 साल की उम्र में जब फ्लोरेंस ने अपनी माँ से कहा कि वे आगे पढ़ना चाहती हैं, तब उनकी माँ ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि गणित औरतों के पढ़ने का विषय नहीं होता है। लेकिन फ्लोरेंस ने ठान लिया था कि वह गणित ही पढ़ेंगी और अंत में उन्हें इजाज़त मिल ही गई। 22 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने नर्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन दिनों अच्छे घर की लड़कियां नर्स बनने के बारे में सोचती भी नहीं थी। उस पर से फ्लोरेंस एक संपन्न परिवार की लड़की थी। उनका यह फैसला उनके घर वालों को पसंद नहीं आया। लेकिन साल 1854 में जब सैनिकों की हालातों के बारे में फ्लोरेंस को पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाई और अपनी साथियों के साथ उनकी मदद करने पहुँच गई। वे दिन रात एक कर सैनिकों का उपचार करने में मदद करती रही। अस्पताल की साफ सफाई से लेकर मरम पट्टी तक का काम उन्होंने किया। मरीजों के लिए खाना भी वह खुद ही बनाया करती थी, लेकिन वहां उनके सोने के लिए एक कमरा तक नहीं था। वे रात में भी सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी। इस दौरान हाथ में लालटेन लेकर वह मरीजों को देखने जाती थी। इसी कारण सैनिकों ने लेडी विद अ लैंप कहते थे। इसी दौरान फ्लोरेंस ने आंकड़े व्यवस्थित ढंग से जमा करने की व्यवस्था बनाई। अपने गणित के ज्ञान का प्रयोग करते हुए फ्लोरेंस ने जब मृत्यु दर की गणना की तो पता चला कि साफ सफाई पर ध्यान देने से मृत्यु दर 60% कम हो गई है। फ्लोरेंस की सेवा को देखकर सैन्य अधिकारियों का रवैया भी बदल गया। इस मेहनत और समर्पण के लिए फ्लोरेंस का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया गया और लोगों ने पैसे जमा कर फ्लोरेंस तक पहुंचाए ताकि वह अपना काम जारी रख सके। युद्ध खत्म होने के बाद भी वे गंभीर रूप से घायल सैनिकों की सेवा और सेना के अस्पतालों की दशा सुधारने के अपने काम में लगी रही। वही साल 1860 में फ्लोरेंस की कड़ी मेहनत का फल आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना के रूप में उन्हें मिला। इसी साल में फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। साथ ही फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का भी प्रकाशन किया। यह नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक थी। रोगियों और दुखियों की सेवा करने वाली फ्लोरेंस खुद भी 1861 में एक रोग का शिकार हो गई। इसकी वजह से वे 6 सालों तक चल नहीं सकी। इस दौरान भी उनकी सक्रियता बनी रही। वे अस्पतालों के डिज़ाइन और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने की दिशा में काम करती रही। फ्लोरेंस के इस योगदान के लिए साल 1907 में किंग एडवर्ड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसे पाने वाली वह पहली महिला थी। वहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 90 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया। नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को देखते हुए साल 1974 में पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 12 मई की देश विदेश की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन साल 1457 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। वहीं साल 1666 में पुरंदर की संधि के तहत आगरा पहुंचे शिवाजी की औरंगजेब से मुलाकात हुई थी। साल 1899 में दुनिया की पहली गैर भारतीय योग गुरु यूजीन पीटरसन का जन्म हुआ था। आज के दिन साल 1965 में इजराइल और पश्चिमी जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया था। वहीं साल 1965 में सोवियत स्पेसशिप लूना 5 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ था। आज के दिन
लेकिन साल 2008 में चीन के सिचुआन में आया भीषण भूकंप जिसमें 90,000 लोगों की जान गई थी। वहीं साल 2010 में लीबिया की त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 103 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आज के दिन साल 2017 में अहमदाबाद में पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।